दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग या फिर पाकिस्तान सुपर लीग किस देश की लीग है सबसे बेस्ट, ये जानने के लिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, T20 क्रिकेट की पॉपुलैरिटी के साथ साथ दुनिया का हर देश अपनी क्रिकेट लीग शुरू करने में लगा हुआ है। फिर भाई, इन देशों में कंपटीशन तो होना जाहिर सी बात है, और फिर जब देश भारत और पाकिस्तान हो तो फिर क्या ही कहने। एक तरफ भारतीय फैंस पर इंडियन प्रीमियर लीग का खुमार चढ़ा हुआ है, तो वहीं पाकिस्तानी फैंस पाकिस्तान सुपर लीग यानी कि PSL को ही बेस्ट मानते हैं। IPL और PSL के बीच कंपैरिजन तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन आज हम इन दोनों लीग्स के बीच अल्टीमेट बैटल दिखाने वाले हैं और जानेंगे कि आखिर कौन सी लीग बेस्ट है। तो भाई, अपनी सिक्योरिटी का फुल इंतजाम कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे आने वाली वीडियो के हर नोटिफिकेशन बिल्कुल भी मिस ना हो। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL की शुरुआत साल 2008 में हुई थी। इसके पहले सीजन में 8 टीमों ने हिस्सा लिया था और साल 2022 में इसने मस्ती में खेली थी। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान सुपर लीग यानी कि PSL की शुरुआत साल 2016 में हुई थी और इसके पहले सीजन में सिर्फ 5 ही टीम हुआ करती थी। फिलहाल PSL में 6 टीमें हो चुकी हैं। IPL के अभी तक 16 सीजन खेले जा चुके हैं। IPL हिस्ट्री की सबसे कामयाब टीम रही है मुंबई इंडियंस, जिन्होंने अभी तक 5 टाइटन्स अपने नाम किए हैं। इसके बाद नंबर आता है चेन्नई सुपर किंग्स का, जिन्होंने 4 टाइटन्स जीते हैं और CSK की फिलहाल IPL करंट चैंपियन है। वहीं अगर बात करें PSL की तो इसके अभी तक 7 सीजन्स हो चुके हैं। PSL हिस्ट्री की सबसे कामयाब टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड है, जिसने 2 टाइटल अपने नाम किए हैं, और PSL 2022 की चैंपियन टीम मुल्तान सुल्तान की टीम रही है, जिसने पहली बार ये टाइटल अपने नाम किया है। चलिए बात करते हैं दोनों ही लीग के हाईएस्ट करंट स्कोरर के बारे में। IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने का ये रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है, जो अभी तक 6,283 रन बना चुके हैं। वहीं PSL के हाईएस्ट रन स्कोरर बाबर आजम हैं, जिन्होंने 2,238 रन बनाए हैं। मतलब दोनों ही देशों के टॉप बैट्समैन का जलवा हमें इनकी T20 लीग्स में भरपूर देखने को मिला है। वैसे गाइज, क्या आप विराट कोहली और बाबर आजम के बीच का एक कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर बढ़ते हैं इन दोनों लीग्स के हाईएस्ट विकेट टेकर की तरफ। IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड IPL श्रीलंका के लसिथ मलिंगा के नाम है, जिन्होंने 170 विकेट झटके हैं। वहीं PSL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर पाकिस्तान के वहाब रियाज हैं, जिन्होंने 101 विकेट लिए हैं। दोस्तों, IPL और PSL दोनों ही डबल राउंड फॉर्मेट में खेली जाती है, मतलब सबसे पहले सभी टीम्स एक दूसरे से 2 मैचेस खेलती है और 4 टीम के बीच प्लेऑफ खेला जाता है। किसी भी लीग के सक्सेस को समझने का सबसे अच्छा जरिया होता है उनके ब्रांड वैल्यू। उनके ब्रांड वैल्यू की अगर बात करें IPL की ब्रांड वैल्यू की, तो इनकी ब्रांड वैल्यू $6.3 बिलियन की है, जबकि PSL की ब्रांड वैल्यू सिर्फ $330 मिलियन ही है। मतलब इस मामले में IPL PSL से लगभग 20 गुना ज्यादा बड़ी है। PSL से सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू तो अपने चेन्नई सुपर किंग्स की ही है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार चेन्नई की ब्रांड वैल्यू $1 बिलियन पार कर चुकी है, मतलब PSL से 3 गुना ज्यादा। अभी कुछ ही दिनों पहले ही IPL में दोनों ही टीमों को ऐड किया गया है, जिसमें से लखनऊ सुपर जायंट्स और भी बड़े ही महंगे दामों में खरीदा गया था। वहीं PSL की सबसे महंगी टीम मुल्तान सुल्तान की टीम है, जो कि 3,80,00,000 के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर खरीदी गई थी। दोस्तों, टाटा ने IPL के स्पॉन्सरशिप को 670 करोड़ रुपए देकर 2 साल के लिए अपना नाम किया है, यानी कि वो हर साल 335 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर PSL के स्पॉन्सरशिप के लिए PCB को हर साल 165 करोड़ रुपए भारतीय रुपए देने पड़ेंगे। दोस्तों, फिलहाल IPL के ब्रॉडकास्टर राइट्स स्टार इंडिया के पास है, जो की साल 2018 में इन्हें 5 साल के लिए 16,345 करोड़ रुपए देकर खरीदा गया था। वहीं दूसरी ओर बात करें PSL के, तो PSL का ब्रॉडकास्ट राइट्स PTV स्पोर्ट्स के पास है, जिन्होंने 2 साल के लिए PCB को 180 करोड़ रुपए में दिए थे। अगर आपको IPL और PSL के बीच का ये बड़ा अंतर लग रहा है, तो आपको बताना चाहूंगी कि BCCI अगले साल PSL का ब्रॉडकास्ट राइट्स 50,000 करोड़ रुपए में खरीदने का प्लान बना रही है। मतलब भाई, इस मामले में तो PSL IPL के सामने कहीं भी नहीं टिकती हुई नजर आ रही है। IPL में अपने कई प्रकार के अवार्ड्स भी देखे होंगे। बता दें, IPL की तरह PSL में भी कई सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं। जिस तरह IPL सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को ऑरेंज कैप मिलती है, ऐसे ही PSL में इसके लिए ग्रीन कैप दी जाती है। वहीं सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर को IPL में पर्पल कैप मिलती है और PSL में मेहरून कैप मिलती है, यानी कि भाई PSL ने इस मामले में साफ साफ IPL की कॉपी की हुई है। चलिए बात करते हैं उन प्राइसेस की जिसके लिए ये टीम पूरे सीजन फाइट करती है। IPL में चैंपियन टीम को 20 करोड़ का प्राइस मिलता है और रनर टीम
टीम को 12.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर पीएसएल में चैंपियन टीम को 3.5 करोड़ रुपए और रनर टीम को 1.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आईपीएल के एक मैच में सबसे बड़ा स्कोर किस टीम ने बनाया था? ये रिकॉर्ड आरसीबी के नाम है। 23 अप्रैल 2013 को आरसीबी ने पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ 20 ओवर में 263 रन बनाए थे। वहीं पर पीएसएल में हाईएस्ट टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के नाम है। साल 2021 के सीजन में इस्लामाबाद ने पेशावर जलमी के खिलाफ 20 ओवर में 247 रन बनाए थे। हाईएस्ट स्कोर के अलावा लोएस्ट स्कोर के मामले में भी आईपीएल पीएसएल से आगे है। साल 2018 में आरसीबी की टीम केकेआर के खिलाफ सिर्फ 39 रन ही बना पाई थी, जो आईपीएल का लोएस्ट टीम टोटल है, जबकि पीएसएल में रिकॉर्ड लाहौर कैलेंडर्स के नाम है। साल 2017 में पेशावर जालमी के खिलाफ लाहौर की पूरी टीम 59 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। आईपीएल का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर 2013 में क्रिस गेल के बैट से आया था, जिन्होंने पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ सिर्फ 66 गेंदों में 175 रनों की तूफानी पारी खेली थी। वहीं पीएसएल का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर कोलिन इनग्राम के नाम है। उन्होंने साल 2019 में क्वाइटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ 59 गेंदों में 127 रन बनाए थे। पीएसएल के फर्स्ट टेस्ट हाफ सेंचुरी का रिकॉर्ड कामरान अकमल और आसफ अली के नाम है। उन्होंने 13 गेंदों में 50 रन किए थे, जबकि आईपीएल में ये रिकॉर्ड केएल राहुल के नाम है, जिन्होंने ये कारनामा 14 बॉलों में किया था। तो दोस्तों ये था आईपीएल और पीएसएल के बीच का एक्सक्लूसिव कंपैरिजन। इन सभी फैक्टर्स को देखने के बाद ये बहुत क्लियर हो जाती है कि जब बात क्रिकेट की होती है तो आईपीएल के सामने कोई भी दूसरी लीग टिक ही नहीं सकती, चाहे वो हमारे पड़ोसी देश की लीग पीएसएल ही क्यों ना हो। वैसे आप आईपीएल के फैन हैं या फिर पीएसएल के, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा और आने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।